गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बड़ा नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले अपन ने डिमांड यूटिलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट की थी। अब इसके अंदर आज अपन ले रहे हैं प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का मीन क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर? मैं कई बार क्लास में बच्चों से पूछता हूँ कि आपने प्रोडक्शन देखा है? बच्चे कहते हैं हाँ, बहुत से प्रोडक्शन होते हुए देखे हैं सर हमने। तो मैंने कहा प्रोडक्शन का एग्जांपल दीजिए। वो कहते हैं जैसे बिस्किट्स का प्रोडक्शन है ना, साबुन वगैरह का प्रोडक्शन है जैसे, या कोई मोटर कार मोटर बाइक इनका प्रोडक्शन है। इस प्रकार के प्रोडक्शन के एग्जांपल वो अपने को बताते हैं। लेकिन बड़ा रियल के अंदर यदि इकोनॉमिक्स टर्म में देखें कि अगर अपन ये देखें कि प्रोडक्शन है वो अपन अर्थ के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर किसी भी प्रकार का गुड्स का जो प्रोडक्शन वो ह्यूमन के द्वारा नहीं किया जाता है, मानव के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इंसान क्या करता है उसकी जो गुड्स है जो उसको प्रकृति ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया है, निःशुल्क दी है, उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज करता है। यानी उसकी जो यूटिलिटी के अंदर इंक्रीज कर देता है, यानी इंक्रीज इन यूटिलिटी और एडिशन इन यूटिलिटी ही प्रोडक्शन माना गया है। बल्कि इंसान है वो किसी भी प्रकार के गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करता है, किसी प्रकार की वस्तु का निर्माण नहीं करता है, बल्कि वो उस गुड्स को या उस वस्तु को इस प्रकार से उसका फॉर्म चेंज कर देता है या प्लेस चेंज कर देता है कि वो जो गुड्स है वो यूजफुल हो जाता है और जो जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है या जिसकी वांट्स है वो क्या करता है उसकी सेटिस्फाई करता है, वही प्रोडक्शन कहलाता है। तो अपना थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अपन ये इसके अंदर पढ़ेंगे कि जैसे इसके अंदर प्रोडक्शन किस टाइप से हो सकता है, यूटिलिटी में चेंज किस प्रकार से हो सकता है। तो जो बेसिकली बात है वो यही है प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर बेटा, कि जो अगर अपन देखें, अगर पूरे बेटा अपने जितना भी अगर अपने इकोनॉमिक जो सेक्टर है उसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो उसके अंदर ये देखने को मिलेगा कि यदि अपन देखें कि प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन अपन किसी प्रकार का प्रोडक्शन अपने द्वारा नहीं किया जाता, यानी जो ह्यूमन पावर है वो किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं करती है, बल्कि प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो गुड्स या जो कमोडिटी उसको अर्थ ने प्रोवाइड की है उसके अंदर वो क्या करता है उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज करके एडिशन करके उसके अंदर उसको यूजफुल बना देता है, जिससे ह्यूमन वांट्स है वो सेटिस्फाई होती है और वही क्या कहलाता है प्रोडक्शन कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, अगर अपन देखें इसको डेफिनेशन के रूप में बड़ा, एक अर्थ के रूप में अगर अपन देखें तो अर्थ के रूप में अपन बता सकते हैं कि इन इकोनॉमिक्स, देखिए बेटा इसके सिंपल से मीन में, इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ और इंक्रीज ऑफ यूटिलिटी और एडिशन इन यूटिलिटी इन एनी फॉर्म, यानी किसी भी फॉर्म के अंदर यूटिलिटी को क्रिएट करना यानी उसकी आवश्यकता को उत्पन्न करना या उसकी आवश्यकता को इंक्रीज करना या उसकी आवश्यकता के अंदर या उसकी जरूरत के अंदर उसको एडिशन करना ही क्या है प्रोडक्शन। इसके अंदर प्रोडक्शन का मतलब बड़ा यही है कि जितने भी इनपुट्स हैं, इनपुट को आउटपुट कन्वर्ट करना ही क्या है प्रोडक्शन। ठीक है, आउटपुट का मतलब सेटिस्फाई ऑफ वांट्स, यानी जितनी भी आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए आउटपुट है, वो आउटपुट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, यानी जो आउटपुट किया जाता है इनपुट से, आउटपुट का जो कार्य है प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो इस एक्टिविटी को इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उससे इनकम जनरेट करना चाहता है, प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, इसलिए इसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी माना गया। ठीक है, तो अगर अपन देखें कि वर्ल्ड वाइड अगर अपन देखें, अपन पूरी दुनिया के अंदर देखें बड़ा, किसी भी प्रकार की जो प्रोडक्शन या गुड्स का अपन उत्पादन नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, बल्कि जो गुड्स है वो अपने पास अवेलेबल है उन गुड्स को अपन क्या कर सकते हैं उसकी यूटिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसको उपयोगी बना सकते हैं, अपनी जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है अपना प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर जो यूटिलिटी है वो
क्रिएशन ऑफ इसके अंदर फोरम है, अभी फोरम में बड़ा यूटिलिटी के कितने टाइप हो सकते हैं वो देख सकते हैं कि यूटिलिटी है वो अलग अलग फोरम में अपने को मिल सकती है, अलग अलग प्रकार के अंदर मिल सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे यूटिलिटी का फोरम का मतलब तो यहाँ पे एक ग्रुप ही परिवर्तित होता है, लेकिन उसका अलावा भी इसके अंदर यूटिलिटी इंक्रीज करने के बहुत सारे मैनर अपने। तो फर्स्ट इसके अंदर लिखेंगे अपन मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी में वृद्धि या यूटिलिटी है वो उत्पन्न करने के कितने मेथड्स हो सकते हैं, कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो मेथड अपना वो है अपना फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब है कि उसके रूप में परिवर्तन करके या उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके यदि किसी भी गुड्स को यूजफुल बनाया जाता है और उसको उन व्यक्तियों को प्रोवाइड किया जाता है जिससे उसकी जो वांट्स है या उसकी जो नीड्स है वो फुलफिल की जा सके, वो क्या कहलाती है, फॉर्म यूटिलिटी कहलाती है, यानी रूप उपयोगिता कहलाती है, रूप परिवर्तन उपयोगिता कहलाती है इसमें। फॉर एग्जाम्पल इसका जैसे बेटा अपन जो वुडन होती है, लकड़ी होती है, उससे अपन फर्नीचर बनाते हैं, तो जो वुडन से फर्नीचर बनाने का जो उपयोगिता है वो क्या कहलाती है, इसके अंदर अपनी फॉर्म यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे एक जंगल के अंदर कोई पेड़ है, पेड़ को बड़ा कोई यूजफुल नहीं है उसके अंदर, अब एक सूखा पेड़ है उसका अपन क्या यूज कर सकते हैं, कोई यूज नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस पेड़ सूखे हुए पेड़ को काट कर वहां से लाकर उसको बड़ा कटाई छंटाई करके उसकी अब उससे कोई फर्नीचर बना देता है, चेयर बना देता है, टेबल बना देता है या स्टूल बना देता है या अदर कोई इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट की जो गुड्स है वो बना देता है, तो वो गुड्स है वो किसी के लिए यूजफुल हो सकता है। जैसे आप पढ़ने के लिए बड़ा आपको टेबल और चेयर की आवश्यकता है तो आपको वो यूजफुल है, लेकिन वो लकड़ी का वो लट्ठा है जो सूखा हुआ पेड़ है उसके लिए आपकी कोई उपयोगिता नहीं, उसको आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जैसे कोई आयरन है, लोहा है इसके अंदर, अब आयरन है उसको बड़ा अपन प्रिपेयर करके जैसे मोटर कार है, मशीन है या कोई और भी जितने भी टूल्स वगैरह जो अपने है ना जो इक्विपमेंट वगैरह उसके अंदर हर जगह यूज होता है, तो उसको अपन चेंज करके उसको यूजफुल बना सकते हैं। मशीन का अपने लिए यूज है, मोटर कार का यूज है, अदर कोई टूल्स बनाते हैं उसका यूज है, लेकिन आयरन है वो अपने लिए बेकार, उसका कोई यूज नहीं। तो ये यूटिलिटी क्या कहलाती है, फॉर्म यूटिलिटी कहलाती है, उसके फॉर्म में चेंज करके अपन यदि उसकी यूटिलिटी बढ़ा देते हैं, उपयोगिता बढ़ा देते हैं, अपने काम आने लगता है तो वो फॉर्म यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक के अंदर अपन आज ये कचरा वगैरह इकट्ठा करके उसको रिसाइकिलिंग करके यूजफुल गुड्स बना देते हैं, इसके अंदर अपन देखते हैं काफ़ी इसके अंदर जो प्लास्टिक वगैरह है उसका यूज अपन देखते हैं बड़ा, तो ये सब क्या है कि इसके अंदर फॉर्म यूटिलिटी का पार्ट है। सेकेंड इसके अंदर अपन आता है वो है प्लेस यूटिलिटी, स्थान उपयोगिता। प्लेस यूटिलिटी का मतलब बड़ा कि कुछ यूटिलिटी है वो स्थान के आधार पर परिवर्तित होती है। ठीक है, स्थान पर आधार पर परिवर्तित होने का मतलब जैसे अपन ये देखते हैं कि अपनी प्रकृति के अंदर काफी कुछ मिनरल है, यानी ये जो अपना नेचर है, प्रकृति है, उसने अपने इंसान को खूब सारा बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट है वो गिफ्ट दिया है, यदि अपन उसको यूज करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपनी जो वांट्स है या अपनी जो एक कहते हैं ना अपने आप को ये यूटिलिटी है वो उसको फुलफिल करती है, यानी उसको पूरा करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए देखिए आज अपन घरों के अंदर जो यूज करते हैं पानी के लिए, जैसे वाटर सप्लाई है, अपन यहाँ का जो लोकल पानी है बड़ा वो खारा है, उसको यूज नहीं कर सकते। अब वो पानी है पता नहीं कहाँ से बड़ा किस नहर से आता है, कितनी दूर से आता है, लेकिन वो पानी अगर अपने पास पहुंच जाता है तो जहाँ पे ये पानी इकट्ठा है वहाँ पे यूजफुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो पर्याप्त पानी है, उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन वही अच्छा पानी अपने पास अगर पहुंच जाता है पाइपलाइन के द्वारा तो अपने लिए यूजफुल हो जाता है, अपन उससे अपनी जो रिक्वायरमेंट है डेली रिक्वायरमेंट की काफ़ी आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसी प्रकार से जैसे देखिए पेट्रोल है, गैस है ना, ये बड़ा सब इसी के एग्जांपल है,
यदि अपने जहाँ पे गैस के जो भंडार है ना, जहाँ पे इसके अंदर गैस निकाली जाती है या क्रूड ऑयल जहाँ से अपन इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं, या अपन यहाँ पे भी जैसे बड़ा निकाला जाता है, अब वो जो है जहाँ पे निकाला जा रहा है वहाँ पे उसका ये कोई यूज नहीं है, लेकिन वहाँ पे निकाल कर रिफाइनिंग कर उसको फॉर्म चेंज करके अपने पास पहुँचाया जाता है तो अपने लिए यूजफुल हो जाता है। इसलिए देखिए पहाड़ों पर जैसे पत्थर वगैरह, पहाड़ों पर उनका पत्थरों का कोई यूज नहीं है, लेकिन उसका क्रशिंग करके पिसाई करके आज अपने कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करते हैं। नदियों के पास की जो मिट्टी है जिसको अपन आज बड़ा कंस्ट्रक्शन के अंदर काम में लेते हैं, तो वो क्या है, प्लेस यूटिलिटी कहलाती है, यानी ऐसा जो गुड्स है, ऐसी कोई वस्तु है जिसका एक जगह पर कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन उसको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ पे उसका यूज है, लोगों की सेटिस्फाइड जो वांट है उनको करती है, या मान लीजिए उसके लिए यूजफुल है या उसकी यूटिलिटी इंक्रीज करती है, तो उस कंडीशन के अंदर वो वहाँ पे यूजफुल है। जैसे गर्म प्रदेश है वहाँ पे यदि है ना गर्म कपड़े पहुँचाए जाए तो वहाँ पे उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन यदि गर्म जहाँ पे ठंडे प्रदेश है वहाँ पे यदि गर्म कपड़े पहुँचाए जाते हैं तो उस कंडीशन में उनकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाती है, प्लेस यूटिलिटी कहलाती है। तो पहला इसके अंदर फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा बेटा इसके अंदर था प्लेस यूटिलिटी, उसके बाद में थर्ड आता है इसके अंदर वो है अपना टाइम यूटिलिटी। ठीक है बेटा, टाइम यूटिलिटी यानी समय के आधार पर उसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है इसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि टाइम निकलने के साथ जैसे अपन देखते हैं बेटा कि जो अपन लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं उस कंडीशन के अंदर, उस लकड़ी के अंदर अपन सूखी हुई लकड़ियां हैं, टिम्बर्स हैं, उनको यूज करते हैं। इसका कारण है कि इसके अंदर जो गीला जो होता है टिम्बर्स होता है उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो फर्नीचर उतना बढ़िया नहीं बनता जितना उसको सुखाने के बाद बनता है, तो उसके अंदर वो टाइम यूटिलिटी है, यानी जो फर्नीचर लकड़ी है जब वो गीली है उसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं होगी अपने लिए, लेकिन वही अगर सूख जाती है तो उस कंडीशन के अंदर अपने लिए वो यूजफुल हो जाती है, यानी उसका अपने लिए यूज है। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं, देखिए अपन जो चावल बनाते हैं उसके अंदर चावल है वो पुराने चावल का यूज होता है, ज़्यादा बढ़िया रहता है, इसके अंदर अच्छे चावल बनते हैं, तो वो पुराना होना और नए चावल के अंदर अपन के कि जो टाइम है टाइम के अकॉर्डिंग उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। इसी प्रकार से जैसे पुरानी शराब है उसकी यूटिलिटी बड़ा ज़्यादा होती है, बताया जाता है कि पुरानी जितनी पुरानी शराब होती है उतनी ही ज़्यादा एक प्रकार से वो मेडिसिन के रूप में भी उसको यूज किया जाता है। तो इस प्रकार के जो टाइम के हिसाब से उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, समय के आधार पर इसकी यूटिलिटी बढ़ती है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, जो वस्तु है वो यूजफुल हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, अपनी टाइम यूटिलिटी कहलाती है, यानी समय उपयोगिता कहलाती है, समय मूल्य उपयोगिता भी बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर फोर्थ नंबर आता है बड़ा इसके अंदर पोजिशन यूटिलिटी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वैसे पात्र मूलक उपयोगिता। अब पोजिशन यूटिलिटी है क्या बेटा, पोजिशन यूटिलिटी का मतलब है कि इसके अंदर आपका ही एक एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। ठीक है, यानी इसके अंदर जो ओनरशिप चेंज होने के कारण यदि यूटिलिटी इंक्रीज होती है उस वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है वो क्या कहलाती है, पोजिशन यूटिलिटी कहलाती है। इसका एग्जांपल है देखिए, एक तो स्टेशनर्स की दुकान है, उसने बीकॉम पार्ट फर्स्ट की बुक्स रखी है, उस बुक्स का उसके लिए कोई यूज नहीं है, उसने बुक लगा रखी है, वो बुक का एक यूज है कि वो किसी कोई इसको जरूरत वाला आएगा जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है उसको सेल कर देगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर उसका इनकम का सोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो अगर वो बुक्स है आपके पास आ जाती है तो आपके लिए बड़ा वो यूजफुल हो जाती है। ठीक है, यानी उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है क्योंकि आप उस बुक्स के पढ़ोगे, अपनी तैयारी करोगे और बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो एग्जाम होगा उसके अंदर आप एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर उस बुक की रेफरेंस के आधार पर रखोगे। तो जो बुक सेलर है उसके पास बड़ा, जो वेंडर है उसके पास उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन वो बुक्स है यदि आपके पास आ जाए, पोजिशन उसका आपके पास आ जाए, अधिकार आपके पास आ जाए, स्वामित्व आपके पास आ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाती है, पोजिशन यूटिलिटी कहलाती है। जैसे आपकी स्टेशनरी का एग्जांपल दिया, कोई नोट्सबुक्स है उसके लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन वो नोट्सबुक्स वगैरह आप लेके आ जाते हो तो उस कंडीशन में उसके अंदर अपने नोट्स बनाते हो, तो उसके क्वेश्चन वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह वो सोल्व करते हो, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है।
वो क्या कहलाती है, पोजिशन यूटिलिटी कहलाती है, यानी पत्र मूलक उपयोगिता कहलाती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर वो है सर्विस यूटिलिटी, ठीक है। सेवा के द्वारा भी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, यानी जो प्रोफेशनल्स होते हैं स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं या अपनी एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रखते हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उसके अंदर के जो नॉलेज के आधार पर जो यूटिलिटी प्रोवाइड की जाती है या उसकी जो वांट्स उसको सेटिस्फाई किया जाता है वो क्या कहलाती है, सर्विस यूटिलिटी कहलाती है। सर्विस यूटिलिटी का एग्जांपल जैसे बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए उसकी जो खुद का जो नॉलेज उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन वो अपनी नॉलेज अपनी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के आधार पर, जैसे डॉक्टर है, वकील है, चार्टेड अकाउंटेंट है ना, जितने भी कंसल्ट हैं वो इसके अंदर इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो जो मैन इसके अंदर है उनका जो नॉलेज है उनकी जो क्वालिफिकेशन है उनका खुद के लिए यूज नहीं है, लेकिन वो ये नॉलेज या अपनी जो एक क्वालिफिकेशन के आधार पर एक्सपीरियंस के आधार पर जो उन्होंने गेन किया प्राप्त किया है अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं या प्रदान करते हैं तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसके लिए उसको यूज है। तो जो ऐसी यूटिलिटी है वो क्या कहलाती है, बड़ा सर्विस यूटिलिटी कहलाती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि ये यूटिलिटी है, ये इसके बड़ा कुछ फॉर्म्स हैं अपने, इन फॉर्म्स के आधार पर जो गुड्स है या सर्विसेज है जिसकी यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होता है, तो वो क्या कहलाती है, प्रोडक्शन कहलाता है। तो ये सब प्रोडक्शन के फॉर्म ही अपने कि प्रोडक्शन वैसे प्रोडक्शन अपने आप में नहीं होता है, लेकिन इसमें क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है, और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का अपने कुछ एग्जांपल लिए जिसमें पहला फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा प्लेस यूटिलिटी, तीसरा इसके अंदर अपना टाइम यूटिलिटी, फोर्थ है इसके अंदर वो है पोजिशन यूटिलिटी, और फिफ्थ नंबर है इसके अंदर वो है सर्विस यूटिलिटी, ठीक है। तो ये बड़ा अपने यूटिलिटी का जो टाइप्स है, प्रोडक्शन का इसका बेसिक पार्ट है वो अपन इसमें लिया है, ठीक है। अब इसके अलावा जो प्रोडक्शन होता है, जो गुड्स अपन बनाते हैं उसके अंदर नॉर्मली बड़ा फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो यूज किए जाते हैं इसमें। अब इसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपन ले रहे हैं, इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक इसमें उत्पादन के संसाधन या रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी कॉमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर्स हैं उनके बड़ा बेसिकली अपन फोर इसके अंदर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, चार भागों में प्रोडक्शन को बांटा गया है, जिसके अंदर फर्स्ट है अपना लैंड है यानी भूमि, वो प्रोडक्शन का फैक्टर माना गया, इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा बड़ा इसके अंदर लेबरर्स हैं, जो कर्मचारी है, जो श्रमिक है उसमें काम करते हैं वो इसके अंदर प्रोडक्शन का फैक्टर है। तीसरा इसके अंदर कैपिटल, यानी किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए सबसे पहले उसमें इन्वेस्टमेंट धन की आवश्यकता होती है, जो धन उसमें इन्वेस्ट किया जाता है वो इसे कैपिटल इसके अंदर। जो आइडिया जिसके दिमाग में आता है किसी कार्य को करने का या किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का या किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने का या जो जोखिम लेने के लिए एग्री रहता है, और उसके द्वारा यदि किसी भी कार्य को किसी भी प्लानिंग के द्वारा किसी भी नॉलेज के आधार पर शुरू किया जाता है वो कहलाता है इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी साहसी जिसको अपन बोल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, पहला लैंड, लेबरर्स, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। इन फैक्टर्स के द्वारा किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है। अब इसके अंदर पहला प्रोडक्शन बड़ा फैक्टर अपना वो है लैंड, ठीक है। अब ये लैंड का मतलब बड़ा क्या है इसमें, कि जो लैंड है, भूमि है, वो प्रोडक्शन का एक मेन फैक्टर होता है, चाहे उसके अंदर अपन नेचुरल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं या उससे के द्वारा, यदि नेचुरल गुड्स अपने प्राप्त कर उसके द्वारा किसी प्रकार का यदि प्रोडक्शन किया जा रहा है तो सबसे पहले उसका लैंड का रिक्वायरमेंट होता है। यदि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर तैयार कर रहे हो तो उसको ग्रोइंग के लिए एग्रीकल्चर फील्ड चाहिए,
यदि आप फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो तो फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री बिल्डिंग या उसको फैक्ट्री बिल्डिंग को बनाने के लिए जमीन का रिक्वायरमेंट होता है। तो इन जो फैक्ट्री के लिए या प्रोडक्शन के लिए या एग्रीकल्चर के लिए जो जमीन का रिक्वायरमेंट होता है वो लैंड इसका जो मेन प्राइमरी फैक्टर इसमें होता है। इसको रेमुनरेट किया जाता है बाय रेंट, यानी रेंट के द्वारा इसका रेमुनरेशन चुकाया जाता है, यानी इसका जो प्रतिफल है वो क्या है, इसके अंदर भूमि होती है, भूमि का जो प्रतिफल है वो क्या होता है, किराया होता है। अब इसके अंदर जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर जो लैंड है उसका मीनिंग क्या है, देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर जो लैंड का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा वाइडली लिया गया, बड़ा लिया गया। इसके अंदर लैंड का मतलब यहाँ पे ये माना गया है कि जितने भी नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचर ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए गिफ्ट किया है, वो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लैंड की डेफिनेशन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा जमीन है, फॉरेस्ट है ना, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो अपनी है, या जितने भी मिनरल्स हैं, ये सब जितने भी हैं वो सब लैंड की डेफिनेशन में आते हैं। चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे अपने जितनी भी एक प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सब अपना एज ए लैंड की डेफिनेशन में आता है, क्योंकि लैंड है यानी प्रकृति है, वो ये सब अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, यानी फ्री में प्रदान करती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो लैंड है उसका जो मीनिंग है बड़ा वो इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी जो पृथ्वी की सतह के ऊपर, सतह का मतलब यहाँ पे जो भी सरफेस है उसके ऊपर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अपन लैंड की डेफिनेशन में ले सकते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर बड़ा अपना जितने भी फॉरेस्ट है, जंगल है ना, जो वाटर है, पानी है, या मिनरल्स है, ये सब क्या है, इसके अंदर लैंड के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। अब लैंड के डेफिनेशन के अंदर आता है, और लैंड के जो अपन रेमुनरेट करते हैं, यानी उत्पादन का जो एक प्रमुख साधन है, मेन फैक्टर है, उसका अपन रेमुनरेट करते हैं रेंट या रॉयल्टी के द्वारा। रॉयल्टी आपने पढ़ा है इसके अंदर कि किसी की जमीन को यूज करने से रिलेटेड यदि अधिकार दिया जाता है तो उसका जो पेमेंट है वो रॉयल्टी के रूप में भी होता है। एक आपका फर्स्ट ईयर के अंदर बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पूरा चैप्टर रॉयल्टी का। तो ये बड़ा अपना क्या है, इसके अंदर लैंड कहलाता है, जो पहला फैक्टर है वो है इसमें लैंड। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर अपना वो है इसके अंदर लेबरर्स, या लेबर भी बोल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए दो प्रकार के जो मैन पावर्स हैं उनका रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। यानी जो लेबरर है वो टू टाइप्स का जो वर्क होता है, या तो मेंटली काम करते हैं यानी अपने दिमाग का ज़्यादा यूज करते हैं, या अपनी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसका ज़्यादा यूज करते हैं, और उनको जो यूज करने का जो मेन पर्पज होता है, मेन इसके अंदर अर्निंग ऑफ इनकम, इनकम को अर्न करने के लिए, कमाने के लिए यूज करते हैं। तो इस प्रकार की यदि फैक्टर का यूज किया गया है तो वो क्या कहलाता है, लेबर कहलाता है। लेबर के अंदर टू टाइप्स लेबर आती है इसके अंदर, चाहे वो मेंटली वर्क हो या इसके अंदर फिजिकली वर्क हो, दोनों ही प्रकार के जो पार्ट्स हैं वो लेबर की डेफिनेशन के अंदर आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसके अंदर अपना ये दो फैक्टर्स अपने लिए इसके अंदर, फर्स्ट इसके अंदर लैंड और दूसरा लेबर। ये अपना बेसिकली है कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का मीन बताया इसके, आप प्रोडक्शन कहीं भी अपने को प्रोडक्शन नहीं करते अपन, यानी अपन कुछ अपने पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि अपने पास ऐसा कुछ पावर नहीं है जिसके द्वारा अपन कोई गुड्स है उसको प्रोड्यूस कर सके। अपन इसी अर्थ के ऊपर लेते हैं बड़ा, इसी नेचर के द्वारा प्राप्त करते हैं और उसी का फॉर्म चेंज करके अपन उसको यूजफुल बना देते हैं, वो प्रोडक्शन होता है, रियल के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता है। फिर ये जो फॉर्म ऑफ जो यूटिलिटी है वो कितने टाइप की हो सकती है, कितने प्रकार से उसका परिवर्तन होता है, वो अपन इसमें लिया, जिसमें फॉर्म यूटिलिटी है, टाइम यूटिलिटी है, प्लेस यूटिलिटी है, पोजिशन यूटिलिटी है, ये सब बड़ा अपन इसका पार्ट लिया। अब इसके अंदर दो पार्ट मैंने बता दिए, इसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर पहला लैंड है, दूसरा लेबरर है, तीसरा इसके अंदर वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है वो कैपिटल। ठीक है, तो लेबर है बेटा उसको क्या दिया जाता है, वेजेस एंड सैलरी पे की जाती है। कैपिटल, कैपिटल एक ऐसा प्रोडक्शन का फैक्टर है जो मैन काइंड है यानी इंसान इसको बनाता है, और कैपिटल का मीन है कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ, यानी अपनी सेविंग्स को एक्यूमुलेट करके एक एक्यूमुलेटेड जो वेल्थ है वो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है।
कैपिटल का जो रेमुनरेशन होता है बेटा वो एज ए इंटरेस्ट माना जाता है इसके अंदर, यानी उसको इंटरेस्ट डिविडेंड के रूप में पेड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी जो फैक्ट्री के अंदर जो फिक्स असेट्स होती है जिसके अंदर प्लांट मशीनरी है ना, इक्विपमेंट है, स्टॉक है, ये सब बेटा कैपिटल ही होती है। और इसके अंदर कैपिटल का मतलब एक अपनी स्पेसिफिक वर्ड में दें इसका अपन ये लिख सकते हैं कि एक्युमुलेशन वेल्थ के लिए कोई भी वेल्थ यदि इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है इसके अंदर, ठीक है। तो जो कैपिटल है, कैपिटल एक मेन काइंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी इंसान इसका जो है ना निर्माण करता है, और एक ऐसा जो पार्ट ऑफ वेल्थ है जिसको अपन इन्वेस्ट करते हैं फॉर द एक्युमुलेशन वेल्थ, यानी धन को एक्युमुलेट करने के लिए, कमाने के लिए, वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। कैपिटल जरूरी नहीं है लिक्विड फॉर्म के अंदर ही हो, रुपए के अंदर हो, बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस के रूप में हो, ये बड़ा किसी भी एसेट के रूप में भी हो सकता है जिसके अंदर आपको मैंने बताया प्लांट मशीनरी टूल्स स्टॉक है ना इक्विपमेंट्स वगैरह, ये इस फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। तो ये अपनी क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। तो ये बड़ा तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया अपने, पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल। उसके बाद में फोर्थ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अपना क्या बड़ा इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि साहसी, यानी जो किसी भी गुड्स को बनाने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आइडिया जो व्यक्ति लेके आता है, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है, उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी रिस्क फैक्टर होते हैं वो किसके होते हैं? इसके अंदर एंटरप्रेन्योर के होते हैं। तो वो क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप, यानी साहस कहलाता है, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप का है वो है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, यानी जोखिम उठाने की जो एक प्रकार से प्रकृति है वो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में होती है। बिजनेस के अंदर ये भी बताया गया है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो देखिए जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये होता है, एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है? सबसे पहले एक आइडिया लेता है, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर उसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बड़ा बाद की बात है, वो तो रिस्क फैक्टर है। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिले तो उसका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो प्रयास है वो सारा विफल हो जाए, तो वो क्या है? एंटरप्रेन्योर का पार्ट होता है। तो ये बड़ा अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फोर फैक्टर्स हैं ये। इसके अंदर अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि टू फैक्टर बताइए या फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताइए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताइए, तो उसके अंदर अपन ये फैक्टर्स हैं वो इसमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये बड़ा प्रोडक्शन का आपका बेसिक पार्ट था इसके अंदर, जिसके अंदर अपने पहला तो इसके अंदर जो फैक्टर्स के अंदर पहले प्रोडक्शन के बारे में और उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद में जो इसके नेक्स्ट पार्ट है वो बड़ा अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। आज के लिए बड़ा इतना ही, ठीक है, ओके।